उसने फ्रिज से पेशाब की थैली निकाली और उसे अपनी जांघ के अंदर बांध लिया। फिर उसने नकली उंगली में किसी और का खून डाला और ध्यान से उसे अपनी उंगली पर चिपका लिया। फिर वह आत्मविश्वास से स्पेस एजेंसी में इंटरव्यू के लिए चला गया। इंटरव्यूअर ने उसे पेशाब करने के लिए एक यूरिन कप दिया और विंसेंट ने पहले जो यूरिन बैग छिपाया था उसने अपना काम कर दिया। जैसा कि अपेक्षित था, जेनेटिक टेस्ट ने पुष्टि की जेरोम के जीन असाधारण थे और उसने केवल एक ही प्रयास में परीक्षण पास कर लिया। उस दिन से वो हर दिन अपने शरीर से डैंड्रफ और बालों को साफ करता था, अपनी जेनेटिक आइडेंटिटी को किसी भी जोखिम से बचाने के लिए। इस बीच विंसेंट अपना डैंड्रफ खुद ही इकट्ठा करता था, अपने गिरे हुए बालों को साफ करता था और जुनूनी तौर पर अपने मूत्र को घर पर खून में जमा कर लेता था। जेरोम के उत्तम जीन के साथ वो जल्दी ही कंपनी में रैंकों में ऊपर चढ़ गया और जल्द ही एक एस्ट्रोनॉट बन गया। हालांकि उत्साहित होने के बजाय विंसेंट और भी अधिक सतर्क हो गया। हर दिन काम के बाद वो अपने कीबोर्ड पर मौजूद अशुद्धियों को साफ करता था, जेरोम के डैंड्रफ को छिड़कता था और यहां तक कि सहकर्मियों के औचक निरीक्षण से बचने के लिए अपनी कंघी पर एक बाल भी छोड़ देता था। बस वो अंतरिक्ष में उड़ान भरने का अपना सपना पूरा करने ही वाला था। मिशन निदेशक, जिन्होंने विंसेंट की उड़ान का कड़ा विरोध किया था,